कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, ये हर 4 से 6 महीने में एक बार सिर उठाती है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि सभी देशों के लिए जरूरी है कि वे अपने नागरिकों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दिलवाएं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ज्यादा उम्र वाले लोगों को तीसरी डोज लगानी बहुत जरूरी है। बूस्टर शॉट पर जोर देते हुए ICMR के पूर्व प्रमुख ने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण की आशंका ज्यादा है उनके लिए बूस्टर शॉट बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा हर 4 से 6 महीने में देखा जा रहा है कि संक्रमण बढ़ता है। भारत में भी इन दिनों लगातार संक्रमण बढ़ने लगा है। जून महीने की शुरुआत से ही ट्रेंड ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। भारत में रविवार को कोरोना के 8582 नए केस सामने आए। इस समय देश में एक्टिव केस की संख्या 44,513 हो गई है। टॉप साइंटिस्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते ट्रेंड के पीछे कई वजह है। वैज्ञानिकों ने बताया कि BA.4 और BA.5 वेरियंट तेजी से फैलता है। इसके अलावा कोरोना बढ़ने के पीछे लोगों का व्यवहार भी जिम्मेदार है। केस कम होते ही लोगों ने एहतियात बरतनी छोड़ दी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम भी होने लगे। लोगों ने मास्क का उपयोग करना बंद कर दिया। ऐसे में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए वैक्सीन का तीसरा डोज जरूरी हो गया है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।